वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी से, 12th क्लास के सिलेबस से मैग्नेटिज्म में यूनिट नंबर 3 उसे स्टडी कर रहे थे। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कैसे हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं, और अब इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाएगा। सो डेढ़ नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में, दोनों पार्ट मिलाकर आपसे पूछे जाते हैं। तो हमें सीखना है कन्वर्जन। अपनी कॉपी निकाल लीजिए बच्चों, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस इट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, साथ साथ में लिखते चले आप, इनटू वोल्ट मीटर। इस बात की भी प्रैक्टिस करनी है आपको कि एग्जाम में भी, इवन एग्जाम में आप गैल्वेनोमीटर की जगह जी सर्कल, वोल्ट मीटर की जगह वी सर्कल लिख सकते हैं। इसके लिए आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं बच्चों जी टू वी। इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो जी टू ए एंड जी टू वी हमें यह समझना है। G2A हम कर चुके हैं, अभी G2B समझना है। तो इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए वोल्ट मीटर क्या काम आता है। तो जैसा आप जानते हैं, वोल्ट मीटर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। जैसे पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आ रहा है, तो निश्चित रूप से उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने की प्रक्रिया के दौरान बदलना नहीं चाहिए। इसलिए हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में, और रिक्वायर्ड ये है, आवश्यकता इस बात की है कि वोल्ट मीटर में से होकर कोई चार्ज फ्लो ना हो जाए। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप क्यों होता है। किसी एक जगह धन आवेश का एकत्रीकरण हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, किसी दूसरी जगह ऋण आवेश का एकत्रीकरण हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से उन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी को हम नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टेटिक टर्म आपने पढ़ा था, सॉरी पोटेंशियल स्टेटिक टर्म पढ़ा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गई, जो चेंज नहीं होगी, रिलेटिव नहीं है। पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गई, और उसी की जो डायनेमिक टर्म है बच्चों, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जिससे कि उसमें से होकर कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं हो पाए। सो यहां पर हम सेम पैटर्न पे अगर लिखें, सो वी मे राइट, हम ऐसे लिखेंगे टू मेजर पी डॉट डी डॉट, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म सिर्फ नोट्स के लिए है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है बच्चों। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, जो भी आपको बिंदु दिए गए हैं जिनके बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, वी कनेक्ट ए वोल्ट मीटर इन पैरेलल। एंड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, सी बार ऐसा भी दिखा सकते हैं, with accuracy, accurately अगर हम नापना चाहते हैं, resistance of, या हम बोलें कोई current flow नहीं होनी चाहिए। तो मान लो मेरे से लिखने में गलत आ गया, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक single line से इसको काट दूंगा, ऐसे काटा जाएगा। तो to measure potential difference accuracy,
एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी नो करंट शुड पास, नहीं तो क्या होगा, करंट फ्लो यानी चार्ज कुछ फ्लो हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो कम वाला ही नापेगा वो, यानी एक्चुअल से थोड़ा कम नापेगा। नो करंट शुड पास थ्रू वोल्ट मीटर, दस इसलिए आदर्श रूप से आइडियली आपसे पूछा जाता है अमीटर के लिए भी, अमीटर का आइडियल, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आइडियली, जिससे कि कोई करंट उसमें से होकर फ्लो ना हो, आइडियली इट्स रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। अब हम प्रैक्टिकल बात करें तो बच्चों, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, करंट फ्लो नहीं होगी, तो आप जानते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैल्वेनोमीटर, जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्क आपने पढ़ी थी, ये काम करता है इस प्रिंसिपल पर, आई प्रोपोर्शनल थीटा, इस पर काम करता है। तो जब करंट ही नहीं होगी तो थीटा डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है, डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है, इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, यानी करंट तो फ्लो होगी ही होगी। अब हमारी कोशिश ये रहती कम से कम करंट फ्लो, कम से कम करंट फ्लो तब होगी जब हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हमें पता है इसका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल कैपिटल जी से, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 ओम, तो ज्यादा से ज्यादा करना है इसको, किलो ओम के ऑर्डर का करना है, तो क्या करना होगा, एक लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होगा। ये भी आपसे एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम एक बड़ा लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके साथ श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ देते हैं। तो यहां पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, नाउ टू कन्वर्ट एक गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ, अब वो वोल्ट मीटर किस रेंज में नापे, ऑफ गिवन रेंज, दिए हुए परिसर में, परिसर में वो मापन करेगा, ऑफ गिवन रेंज वी कनेक्ट जोड़ देते हैं। अच्छा, इसको शंट नहीं बोलेंगे, जो सीरीज में जोड़ेंगे वो शंट नहीं है, जो पैरेलल में जोड़ेंगे वो शंट है। वी कनेक्ट ए लार्ज रेजिस्टेंस, और इसको मैं दिखा रहा हूं कैपिटल आर से, ए लार्ज रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज एज शोन, फिर हम सर्किट बनाएंगे और रिक्वायर्ड डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो सर्किट कैसे दिखेगा इसका, ये है हमारे पास गिवन गैल्वेनोमीटर, जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस जी है। अब होता क्या है कि अगर मैं इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यानी उन दो टर्मिनल्स के बीच उसको जोड़ दूं, अगर मैं जहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है जिन दो टर्मिनल्स के बीच, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, 100 ओम के ऑर्डर का है, इसमें से होकर करंट फ्लो हो जाएगी और उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो हम नाप नहीं पाएंगे इफेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी, छोटा सा डेरिवेशन है, उसे जोड़ दिया। नाउ इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, अब ये जो डिवाइस है ये एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको नापना है वो हम यहां कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। तो इसके लिए हम गिवन डेटा लिखेंगे रेफरेंस साइड में, क्या क्या हमको दिया हुआ है गिवन, सो वी हैव टू राइट गिवन। हमको गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल।
हमें इसके लिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट रिक्वायर्ड है वो दी गई है आई सबस्क्रिप्ट जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जैसे कि हमने पिछली बार भी लिखा था जब अमीटर में बदल रहे थे, ये डेटा सेम है। गिवन गैल्वेनोमीटर में इतनी करंट पास करने पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब उस करंट को रोकेगा कौन, कंट्रोल कौन करेगा, ये जो कैपिटल आर आपने लगा दिया उसकी वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया जी प्लस आर, वो कंट्रोल करेगा। और जीरो टू वी जो है वो रेंज है, रेंज ऑफ रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर हम बनाने जा रहे हैं ये रेंज रिक्वायर्ड है। तो ये आर हमने जोड़ दिया, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, इन सीरीज ये हमने जोड़ दिया। सो नाउ इन द सर्किट शोन वी मे राइट, मैं कैसे लिख सकता हूं इक्वेशन को इन द सर्किट, सर्किट का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म सीकेटी एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। इन द सर्किट शोन मैं लिख सकता हूं वी किसके बराबर होगा, ये जो करंट है इसमें ब्रांच में वो जा रही आई जी, जितनी करंट गैल्वेनोमीटर में उतनी रेजिस्टेंस में जा रही, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है उसकी कॉइल का, तो उसमें जो ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है आई जी इंटू जी, बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में एंड दैट इज आई जी इंटू आर। और यहां से मुझे आर कैलकुलेट करके निकालना है तो मुझे आर मिल रहा है, अगर मैं एक स्टेप खा के डायरेक्ट लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। अब देख रहे हैं आई जी कॉमन आ रहा है तो वी अपॉन आई जी जाएगा और फिर माइनस जी, उससे मुझे आर मिल रहा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या हम वोल्ट मीटर से मिली वोल्ट मीटर बना सकते हैं या मिली वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अब माइक्रो वोल्ट मीटर का तो यहाँ पे सवाल नहीं उठता क्योंकि माइक्रो वोल्ट में हमें ये इतनी कम वोल्टेज हमें कहीं पे नापनी नहीं पड़ती, तो माइक्रो वोल्ट मीटर तो बनाने की हमें जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हमें जोड़ना पड़ेगा यहां पे सीरीज में, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड, यानी गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बना चुके हैं, अब इस वोल्ट मीटर की रेंज हमको चेंज करनी है, टू बी कनेक्टेड विद गिवन वोल्ट मीटर टू मेक इट्स रेंज एन टाइम्स, एन गुना करनी है हमको इसकी रेंज, मेक इट्स रेंज, या तो लिखेंगे एन टाइम्स या लिखेंगे एन टाइम्स वी। तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस कितना जोड़ना होगा, यानी ऑलरेडी ये तो है ही सही, तो गिवन डेटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जो हमारे पास गिवन डेटा है, अब एग्जिस्टिंग वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जिसको मैं जी डैश से दिखा रहा हूं बच्चों, वो है जी प्लस आर सीरीज इक्विवेलेंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो आई जी डैश है उसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो आई जी ही है, पर उसको आई जी लिखने के बजाय मैं लिखूंगा वी, जो कि हम वोल्टेज लगा रहे हैं वी, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेंज जो ना सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज जी डैश। बस यही ट्रिक है यहाँ पे इसमें समझने की, ये पर्टिकुलर स्टेप यहाँ मिस हो सकती है आपसे, तो ये ध्यान रखें आई जी डैश इक्वल टू वी अपॉन जी डैश के बराबर है, कैसे है उसको समझ के देखें, मैक्सिमम वोल्टेज जब मैं नापना चाहता हूँ वी, तो टोटल रेजिस्टेंस है जी डैश, तो मैक्सिमम करंट होगी जब मैक्सिमम वोल्टेज हम लगाएंगे दैट इज आई जी डैश, जो कि नाप पा रहा है इंस्ट्रूमेंट, एग्जिस्टिंग वोल्ट मीटर नाप पा रहा है। अब नया वोल्ट मीटर जो बनाना, नई रेंज, सो नई रेंज
वी डैश जो है वो है एन टाइम्स पुरानी रेंज यानी एन वी। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, हमने फॉर्मूला यूज किया जो अभी अभी डिराइव किया है, आर की जगह मैं इसको आर डैश कह रहा हूं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम किसे निकालना चाह रहे हैं, आर डैश को निकालना चाह रहे हैं। आर डैश इक्वल टू नई रेंज वी डैश अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी डैश माइनस जी डैश, सबको मैंने डैश डैश कर दिया। अगर पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो सिमेट्री मिलेगी, पूरा उसमें सिमेट्री में चल रहा है। सो हाउ मच इज आर डैश, वी डैश की जगह एन वी, आई जी डैश की जगह वी अपॉन जी डैश माइनस जी डैश, सो हाउ मच वी गेट, देखिए वी से वी कट गया, एन जी डैश माइनस जी डैश जिसमें जी डैश आ गया कॉमन, और हमारे पास बचता है एन माइनस वन। अगर इस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम और लगा दें सीरीज में तो इसकी रेंज एन टाइम्स हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, क्या एन की वैल्यू लेस देन वन हो तो चलेगा? मान लो अभी ये 5 वोल्ट नाप पा रहा है, क्या 2.5 वोल्ट नापना है हमको, तो 2.5 वोल्ट नापना है तो एन की वैल्यू हाफ हो गई, ठीक है, क्योंकि 5 वोल्ट नाप रहा है, 5/2 नापना है, तो एन की वैल्यू हो गई हाफ, और हाफ माइनस वन करता तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी सीरीज में जोड़कर हम इसकी रेंज को कम नहीं कर सकते, ऐसे आपने अमीटर में भी देखा था, सीरीज में जोड़कर हम रेंज बढ़ा सकते हैं, 5 वोल्ट नाप रहे 10 वोल्ट नापने वाला बनाना है बना सकते हैं, दुगनी कर सकते हैं, एन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और वन से बड़ी हो सकती है, वन से बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप डिक्रीज नहीं कर सकते। सो ये यहाँ पे समझ के चलना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये तो आपने सीख लिया कि वोल्ट मीटर में आइडियली इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये एक नंबर का सवाल है। फिर एक सवाल ये बनता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा या मिली वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा। इट मींस यू हैव टू पुट प्रॉपर साइन हियर, और वो साइन कौन से हैं, आइदर इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इन तीन में से आपको चुनना है, यानी ये ऑप्शन हो गए आपके ए बी एंड सी। सो व्हाट डू यू से, क्या आएगा? अगर आप मैथमेटिक्स से जवाब देना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये अवेलेबल है, इस फॉर्मूले को देखकर आप जवाब दे सकते हैं। कैसे, वी अगर वोल्ट में है तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस आर भी बड़ा होगा, वी अगर मिली वोल्ट में तो ये क्वांटिटी छोटी होगी तो रेजिस्टेंस आर भी छोटा होगा। इट मींस रेजिस्टेंस आर अगर छोटा है तो पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो कि जी डैश है जिसमें जी प्लस आर आ रहा है, जी तो फिक्स मान सकते हैं, वो भी छोटा होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा और मिली वोल्ट मीटर का कम। इट मींस जो यहां पर सिंबल आएगा वो आएगा ग्रेटर देन, और फिजिक्स से इसका जवाब निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है, वोल्ट मीटर को वोल्ट में नापना है यानी ज्यादा नापना है, ज्यादा नापना है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और मिली वोल्ट मीटर को कम नापना है तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जबकि अमीटर के केस में ये रिवर्स था यानी उल्टा था। तो बच्चों ये हमने सीखा जी टू वी कन्वर्जन, तो इस लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा जो लिंकिंग पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को लिंक करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट की बात हम करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।